पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी जसपा गठबंधन सरकार को विफल बताया। इस बारे में खास बातचीत के हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। किसानों की फसल खरीद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनसे जानते हैं कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी हुड्डा जी, विफल सरकार है, हर आर्थिक उसमें संकट में धकेल रही है सरकार। सब इनके पास ना विकास का पैसा, ना कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई भी जनहित का फैसला ही नहीं करती सरकार। सर, आपने सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। है, मैं तो कह रहा हूँ, आज जो है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देखें तो इनकी सरकार के समय का देख लो, 4-5 साल की एवरेज 89% आता था एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू रिसिप्ट। वो बढ़कर 95% रह गया, मतलब इनके पास विकास का तो 5% रह गया। अगले साल आएगा तो आप देखना और बढ़ जाएगा, क्यों कर्जा ले रहे हैं, कर्जा बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा और आप किस्त बढ़ेगी। बीबीएमबी को लेकर भी आपने सरकार पर निशाना साधा है, क्या बात है? बीबीएमबी का तो एक है, वहाँ पर इरीगेशन का सदस्य सदा हरियाणा का होना चाहिए, चेयरमैन जिस प्रदेश में भी वो है बाकड़ा उससे बाहर होना चाहिए, लेकिन ना तो वहाँ हरियाणा का कोई सदस्य है ही नहीं कोई हरियाणा का। सर, एक फसल बीमा को लेकर आपने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हाँ, तो इतने लाखों क्लेम जो है वो जो है किसानों के 75% जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए गए। सर, एक कहा है कि हरियाणा सरकार ने कि जो किसानों की फसल खरीदा है अब SMS की ज़रूरत नहीं है और वहीं सीधा टोकन काटेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि किसानों को छूट होगी चाहे वो सीधी फसल बेचें या आड़तियों के माध्यम से। फिर क्या जरूरत है मेरी फसल मेरे ब्यौरे का, ना गिरदावरी की बात ना कोई, वही मैं कह रहा हूँ ना। ये थे मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।